हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे भले मस्त और स्वस्थ होंगे। सो एवरीवन, अभी जैसे कि पता है आप लोगों को, अभी नवरात्रा चल रहा है, तो मैं नवरात्रा स्पेशल बहुत क्यूट क्यूट और प्यारे प्यारे सा हेयर स्टाइल लाई हूँ। मुझे ढेर सारा हेयर स्टाइल बनानी आती है, तो मैं सोची क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करूँ, ताकि वो लोग भी मेरी तरह प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल बना सके। अभी जैसे गर्ल्स के लिए भी है और ये लेडी के लिए भी, वुमेन भी बना सकते हैं, गर्ल्स भी बना सकते हैं, दोनों के लिए है ये। और सबसे पहले मैं अभी ओपन हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। अब कहीं पे भी अभी डांडिया फंक्शन चलेगा, डांडिया फंक्शन होगा, तो आप डांडिया फंक्शन के लिए भी ये हेयर स्टाइल आप लोग अपने में अपने ऊपर बना सकते हैं, या मेला देखने जाओ उसमें भी बना सकते हो, या पूजा वगैरह कुछ भी करो। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ट्रेंडेबल हेयर स्टाइल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेयर स्टाइल बनाने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से टेंगल फ्री कर लेंगे, उसके बाद हेयर स्टाइल बनाएंगे। गाइज देख सकते हैं मेरा हेयर टेंगल फ्री बिल्कुल हो चुका है। और गाइज मैं बहुत बड़ा गलती की हूँ, मिस्टेक यहाँ पे, कि मैं अपने हेयर में हेयर सिरप अप्लाई नहीं की हूँ। कोई भी हेयर स्टाइल बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग हेयर सिरप अप्लाई करें, ताकि आपके बाल बिल्कुल भी टेंगल फ्री रहे और अच्छे से ईजिली हेयर स्टाइल बन सके। मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा मुझे हेयर स्टाइल बनाने के टाइम, बहुत दिक्कत हुई। बट इट्स ओके, मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मेरे पास हेयर स्टाइल अभी नहीं है हेयर सिरप, क्योंकि मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, केमिकल बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। बट आप लोग कभी कदाल जो चलता है, हेयर स्टाइल बना रहे हो कुछ अलग, तो आप हेयर सिरप अप्लाई करो। तो चलिए अब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो एक भी अगर स्टेप आपको आपसे मिस हुआ तो फिर हेयर स्टाइल बनाना ही नहीं सीख पाओगे। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मैं समझी नहीं अंजलि तुम क्या बता रही थी। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए, वीडियो पे बने रहिए। Thank you.
एवरीवन, मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड हेयर स्टाइल की बारी है। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए भी हेयर को अच्छे से टेंगल फ्री कर लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे।